everyone, welcome to my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about types of research. आज डिस्कस करेंगे हम types of research को. अब research की classes भी साथ साथ चलेंगी जो आपका paper 1 के लिए important topic है और साथ में education paper का तो part है ही आपका research. तो paper 1 common है आपका paper 1 के लिए भी और paper 2 के लिए भी. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. आप नेट का एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, नेट JEE क्वालिफाई करने के लिए हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, लेकिन रिसर्च आपका एक ऐसा टॉपिक है जो आपका फ्यूचर में भी काम आएगा. फ्यूचर में आप जाके अगर क्वालिफाई करते हैं JEE PhD करते हैं या वैसे भी आप PhD कर रहे हैं या जो भी चीज़ें आप करेंगे, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे तब भी आपका रिसर्च काम आएगा. तो एक ऐसा टॉपिक है जिसकी नॉलेज आपको होनी ही चाहिए, चाहे आपने कोई इंटरव्यू फेस करना हो और वैसे भी बीइंग अ प्रोफेसर आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए. क्लियर? तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्चेस को. तो टाइप्स ऑफ रिसर्चेस जो पेपर वन का भी पार्ट है और पेपर टू एजुकेशन का भी. सबसे पहले हम समझ लेते हैं रिसर्च, और हमने बहुत ईजी कंसेप्ट में समझना है तो हम तो सिर्फ नाम से जाएंगे. रिसर्च में टू टर्म्स इंक्लूड है, री प्लस सर्च. री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स टू फाइंड आउट. कोई भी चीज आप जब फाइंड आउट करेंगे, अगेन वी आर फाइंडिंग समथिंग. ठीक है? और लेकिन ऐसा नहीं है कि यू आर सर्चिंग समथिंग ऑन यूट्यूब तो दैट इज योर रिसर्च. नो, आप रिसर्च उसे नहीं कहेंगे. आप कुछ सर्च कर रहे हैं, आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं या आप यूट्यूब पे कुछ टॉपिक सर्च कर रहे हैं, तो ये आपका रिसर्च का पार्ट नहीं है. रिसर्च जो है बहुत ही सिस्टमैटिक और एक जिसे आप कहेंगे टफ प्रोसेस है, जो सभी के बस की बात नहीं है. इसकी कुछ रूल्स हैं, इसकी कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं, उसके बाद आप कहेंगे कि ये आपकी रिसर्च है. और सभी लोगों के लिए नहीं है रिसर्च, बहुत पेशेंस चाहिए रिसर्च करने के लिए. ठीक है? री प्लस सर्च टू फाइंड समथिंग न्यू और टू फाइंड समथिंग अगेन. अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन. ठीक है? ये एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें आप कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं और यू वांट टू इन्वेस्टिगेट समथिंग. मैथडोलॉजिकल एंड सिस्टमैटिक, दैट शुड बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर. नेक्स्ट क्लास में मैं इसके जो स्टेप्स हैं, क्या स्टेप्स होते हैं रिसर्च के, वो डिस्कस करूंगी, जिससे कि आपको समझ आएगा कि क्या क्या मेथड्स या क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं जिसे हम इसे प्रोसेस कह रहे हैं. और वो जो स्टेप्स हैं वो दैट शुड बी इन सिस्टमैटिक मैनर. सोर्स टू इंक्रीज नॉलेज. हमें अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए रिसर्च करते हैं, रिसर्च की जाती है ताकि आपकी कोई नॉलेज इंक्रीज हो. आपके पास जो एट प्रेजेंट नॉलेज है उसको आप इंक्रीज करें. अगर जो स्टूडेंट्स रेगुलर मुझे फॉलो कर रहे हैं और यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए मैंने एक बार वीडियो बनाई थी थ्योरीज ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है? तो उसमें मैंने आपको समझाया था कि कैसे हमने इम्प्रूव किया और थ्योरीज आई. इनिशियली क्लासिकल थ्योरी थी, सिर्फ प्रोडक्शन पे काम करने की बात थी एडमिनिस्ट्रेशन में. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेप्ट आया कि मैनेजमेंट कैसे करनी है, काम को मैनेज कैसे करना है. फिर क्रिटिकल थिंकिंग अप्रोच आई. दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है कि एक प्रेजेंट कुछ था उसको सर्च किया, कुछ नया इम्प्रूवमेंट हुई, फिर सर्च किया नई इम्प्रूवमेंट आई, फिर ह्यूमन रिलेशन आया. तो इस तरीके से इम्प्रूवमेंट होती गई. तो उसे आप कहेंगे कि रिसर्च की. दैट मीन्स सोर्स टू इंक्रीज नॉलेज, कि आपको कुछ न्यू फाइंड आउट करना है तो आप रिसर्च करते हैं. और ये रिसर्च आपकी कुछ सर्चिंग को रिसर्च नहीं कहेंगे हम. सिर्फ सर्च करना रिसर्च नहीं है, जो आपकी पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो होंगे सिस्टमेटिक मैनर में होगी वो रिसर्च करेंगे, उसे आप रिसर्च कहेंगे. और रिसर्च करता कौन है, रिसर्चर कहते हैं. ठीक है? रिसर्चर हो सकते हैं वो आपके स्टूडेंट भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. क्लियर? नाउ वी हैव ऑब्जेक्टिव्स. बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं पर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही डिस्कस करेंगे. फाइंड आंसर टू क्वेश्चंस. कुछ क्वेश्चंस के आंसर के फाइंड आउट के लिए होती है रिसर्च. ठीक है? किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च कर रहे हैं, दैट मीन्स यू वांट टू इन्वेस्टिगेट समथिंग. तो आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम का आंसर चाहिए, तो उसके लिए आप रिसर्च कर रहे हैं उस पर. इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम. जो एट प्रेजेंट एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है उसको आप फेस करने के लिए कर रहे हैं. अगर मैं कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो NPA, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होती हैं, कि क्यों बैंक्स में NPA इंक्रीज हो रहा है, क्या रीजन है, दैट मीन्स आपके पास एक प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए आपने रिसर्च कर दी. ठीक है? एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं तो एजुकेशन में फिलोसफिकल एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, या आप पर्सनैलिटी के टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं कि कितने टाइप्स की पर्सनैलिटी होती है और कैसे आपके बिहेवियर पर उसका इम्पैक्ट आएगा, या लर्निंग थ्योरीज क्या हैं. तो कोई भी टॉपिक आप ले लीजिए, दैट मीन्स आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी और उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप रिसर्च कर रहे हैं. तो ये तो हो गए इसके ऑब्जेक्टिव्स. The most important thing to propose a new theory. ये सब आपके previous year question का part है. बहुत easy लगता है जब समझ आ जाता है कि क्या था, लेकिन जब question में होता है और सारे points same लगते हैं, क्योंकि अब जो NTA का questions का pattern है उसका pattern ऐसे है कि points जो होंगे, answer जो होंगे वो सब सही रहेंगे. कितना ज़्यादा कौन सा सही है, मतलब ज़्यादा सही कौन सा answer है,
क्या चीजें उस पर्टिकुलर चीज के साथ मैच हो रही है, गलत कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो उस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि फाइंड आंसर टू क्वेश्चन, आप कुछ क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, किसी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। टू प्रपोज अ न्यू थ्योरी और न्यू लर्निंग, न्यू नॉलेज, क्लियर। तो ये तो हो गया कुछ एक सिंपल टर्म्स में रिसर्च। नेक्स्ट क्लास में मैं स्टेप्स जो है इसके उसको डिस्कस करेंगे। नाउ वी हैव टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसका जो टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिसर्च देखिए, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसके दो फर्दर पार्ट्स हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये अपने आप में इतनी काफ़ी डिटेल जो है डिस्कशन इन पर चाहिए, तो डिस्क्रिप्टिव और जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है उसकी एक इंडिविजुअल क्लास में लूंगी। नेक्स्ट वी हैव क्वालिटेटिव रिसर्च, जिसके फर्दर टू टाइप्स हैं, एक्शन और हिस्टोरिक रिसर्च। देन वी हैव कंपैरेटिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, कंसेप्शनल एंड एम्पिरिकल रिसर्च, ठीक है। क्या क्या रिसर्च है उसको देखते हैं। प्योर रिसर्च, फिर अप्लाइड रिसर्च, उसके कुछ टाइप्स हुए, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, देन कंपैरेटिव, एक्सप्लोरेटरी, कंसेप्शन एंड एम्पिरिकल। अब इनको समझते हैं। देखिए, प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, कुछ भी दे दीजिए इसका नाम। प्योर रिसर्च, बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च, यूजली तीन नाम ही ज़्यादा यूज होते हैं। देखिए, बेसिक, बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करें तो बेसिक रिसर्च, ठीक है। प्योर रिसर्च, प्योर नाम देखिए कैसा है, प्योर, दैट मीन्स कुछ ऐसी चीज़ जो ओरिजिनल है, ठीक है। दैट मीन्स कोई ऐसी रिसर्च आपने की और एक थ्योरी डेवलप की जो ओरिजिनल है अपने आप में, अपने आप में एक प्योर, जिसे आप कहेंगे फर्स्ट टाइम जिसने वो रिसर्च की होगी और एक थ्योरी डेवलप की होगी, दैट इज योर प्योर रिसर्च, वो उसकी ओरिजिनल रिसर्च है। तो आंसर टू हाउ, व्हेन एंड व्हाट, ये प्रीवियस क्वेश्चन का पार्ट है। ये आंसर करती है रिसर्च कि कैसे हुआ, हाउ, व्हेन, कब और क्या, ठीक है। एडवांसमेंट ऑफ थ्योरी, किसी मतलब हमें थ्योरी को एडवांस करना हो, जनरलाइज करना हो, उसके लिए होती है। एक्सपेंड द नॉलेज, नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए की जाती है। रिजल्ट इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिजल्ट इन यूनिवर्सल प्रिंसिपल, क्योंकि हम इस प्योर रिसर्च में यूनिवर्सल प्रिंसिपल फाइंड आउट करते हैं। दैट मीन्स आपने कोई थ्योरी डेवलप की, न्यूटन का लॉ डेवलप किया, तो ये क्या था, एक लॉ डेवलप हो गया और ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल, मतलब यूनिवर्सली एप्लीकेबल, यूनिवर्सल है मीन्स कि एप्लीकेबल टू ऑल, सब जगह एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जो भी आपके प्रिंसिपल है, थ्योरीज डेवलप होती हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग है जिसमें मैथ्स के कंसेप्ट को समझाया, तो ये फर्स्ट टाइम डेवलप की गई ना, तो दीज आर द प्योर रिसर्च। प्योर मतलब कि फर्स्ट टाइम जो आपने डेवलप की, तो वो आपने एक्सपेंड की नॉलेज, नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए, और तीन आपको चीजें याद रखनी है कि हाउ, व्हेन एंड व्हाट। फाउंडेशन ऑफ अप्लाइड रिसर्च, ये आपका बेसिक है, तो ये एक तरीके का बेस है अप्लाइड रिसर्च का, जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम। तो ये होगी बेसिक रिसर्च, जो आंसर करेगी हाउ, व्हेन एंड व्हाट। एडवांसमेंट ऑफ थ्योरी, किसी थ्योरी के एडवांसमेंट के लिए की जाएगी। एक्सपेंड द नॉलेज, नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए की जाएगी। आप यूनिवर्सली एप्लीकेबल करेंगे, पर्टिकुलर ओरिजिनल थ्योरी डेवलप कर रहे हैं इस रिसर्च से, क्लियर। नाउ वी हैव अप्लाइड रिसर्च, हमने तो नाम पे जाना है, नाम से मतलब समझना है, तो इट्स नेम सेज अप्लाइड, अप्लाइड मीन्स कहीं अप्लाई कर रहे हो। इसी रिसर्च को जब आप कहीं अप्लाई करेंगे तो दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च। आपने एक रिसर्च की जो आपके पास अवेलेबल थी, उस रिसर्च को आपने कहीं अप्लाई किया, तो दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च, सिंपल टर्म्स में। टू सॉल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है कि पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम, अप्लाई वहीं करोगे जहां प्रॉब्लम होगी, एंड दैट प्रॉब्लम शुड बी स्पेसिफिक। स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, जो भी कंसेप्ट आपने अभी तक सीखे उसे अप्लाई करेंगे आप। एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट, जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपने ध्यान से वर्ड्स को देखना है जिससे आप इजिली मार्क कर पाए। एंड एंड प्रोडक्ट, जिससे आपका कुछ रिजल्ट निकल के आया। एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी भी कहेंगे जैसे कि आपने किसी पर्टिकुलर थ्योरी को अप्लाई किया, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड, आपने कंसेप्ट स्टडी किया हुआ है कि डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, अगर मैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बात करूँ तो लॉ ऑफ डिमांड, जिसमें आप प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को डिस्कस करते हैं, तो ये पर्टिकुलर चीज़ मैं कहीं अप्लाई करूँ, या कोई भी आप कंसेप्ट है जो कहीं अप्लाई कर रहे हैं, आपने मल्टीप्लीकेशन सीखा या आपकी एक बेसिक थ्योरी थी, उस मल्टीप्लीकेशन को आपने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई किया, दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च। ये इसका एग्जाम्पल है कि कहीं भी आप कोई भी थ्योरी अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है, किसी प्रॉब्लम को, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब नाम क्या है, क्वांटिटेटिव, दैट शुड बी न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है, न्यूमेरिकल फॉर्म, नंबर्स में बात करेंगे अब हम। सिस्टमैटिक,
दैट शुड बी सिस्टमैटिक, क्योंकि नंबर से हम डील कर रहे हैं तो सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे, और सिस्टमैटिक आपका रिसर्च का भी पार्ट है, ठीक है, उसी का तो टाइप्स कर दिए हम। सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल इवेंट्स, जो भी आपने इवेंट्स को ऑब्जर्व किया है उसको आप नंबर्स में प्रेजेंट करेंगे। आप मेल फीमेल एक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप एक स्कूल का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि स्कूल्स में कितने स्टूडेंट्स हैं या उनके क्या मार्क्स आए, या ड्यूरिंग कोरोना, आप कोरोना की बात अगर हम करें कि ड्यूरिंग कोरोना कोई रिसर्च कर रहा है, कोई स्टूडेंट है और कोरोना के टाइम पे उसको रिसर्च करनी है, उसको एक प्रॉपर टॉपिक मिल गया कि ड्यूरिंग कोरोना टाइम जो स्कूल्स में जो लर्नर्स थे उनका ऑनलाइन क्लासेस का इम्पैक्ट क्या आया, ठीक है, क्या इम्पैक्ट आया ऑनलाइन क्लासेस का, स्टूडेंट्स की लर्निंग कितनी इम्प्रूव हुई, या लर्निंग में जो आपका इम्प्रूव होने के बजाय क्या क्या डिफेक्ट्स आए, क्या उसकी फाइंडिंग्स आई, तो ये क्या चीज़ें थी, हमने एक डेटा कलेक्ट किया और दैट डेटा शुड बी नंबर फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म, ठीक है, नंबर्स में होगा। और ये जो आप कलेक्ट करेंगे डेटा, तो टेक्निक कैसे यूज़ करेंगे, स्टैटिस्टिकल, मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक, जो टेक्निक यूज़ करेंगे डेटा को कलेक्ट करने के लिए, तो उसे स्टैट्स के फॉर्म में आप कलेक्ट करेंगे, मैथ्स यूज होगा उसमें, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन यूज होगी एंड टेक्निक्स, क्लियर। इसके तो बेसिक टाइप्स हैं आपकी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, इंडिविजुअली एक क्लास लूंगी मैं इसकी, क्योंकि काफ़ी डिटेल कंसेप्ट है ये। डेटा इन फॉर्म ऑफ स्टैटिस्टिक्स, आप जो डेटा कलेक्ट करेंगे वो स्टैट्स के फॉर्म में होगा, और जो मेथड यूज करेंगे कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, दैट शुड बी अ क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है कि क्वेश्चन है यूजुअली किस रिसर्च में किया जाता है, तो क्वांटिटेटिव रिसर्च में किया जाता है। क्वेश्चन है क्या होता है कि लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस, आपको कुछ क्वेश्चंस दे दिए और लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस से आप आंसर फाइंड आउट करेंगे, तो उससे आपने डेटा कलेक्ट कर लिया कि क्या रिजल्ट निकल के आया। टूल यूज करेंगे जो आपके होगा आपका क्वेश्चन है, और सैंपल साइज, ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है, सैंपल साइज जो होगा आपका कम होगा, स्मॉल सैंपल साइज, क्योंकि लार्ज सैंपल साइज पर डेटा कलेक्ट करेंगे। अब सैंपल साइज क्या होते हैं, आपको मैंने एक क्लास ली थी सैम्पलिंग और सैंपल साइज पॉपुलेशन, ये भी क्लास ली थी। देखिए पॉपुलेशन होता है एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसी चीज जिसमें से आप सैंपल लेते हैं। बेस्ट एग्जांपल है बहुत इजीली आपको समझने के लिए, आपके ब्लड का एक सैंपल लिया जाता है, पूरी ब्लड पूरे बॉडी में से ब्लड नहीं ले लिया जाता, दैट मीन्स दैट पर्टिकुलर सैंपल ऑफ योर ब्लड रिप्रेजेंट योर बॉडी, कि आपके बॉडी टाइप को वो डिस्क्राइब करेगा कि उस सैंपल से वो जितना भी सैंपल होगा वो आपकी जो बॉडी में ब्लड है और आपकी बॉडी में जो प्रॉब्लम है या जिस चीज़ें हैं उन्हें डायग्नोस करने के लिए, दैट मीन्स आपकी बॉडी हो गई आपकी पॉपुलेशन, उसमें से जो सैंपल ड्रॉ किया गया दैट इज सैंपल। तो सैंपल साइज, अब कई बार सैंपल साइज ज़्यादा होता है, कई बार सैंपल साइज कम होता है ड्यूरिंग रिसर्च, ये भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पे जो सैंपल साइज है दैट शुड बी स्मॉल, क्लियर। और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है, टू डेवलप हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या होती हैं, देखिए जब भी हम रिसर्च करते हैं तो हमें पता तो कुछ नहीं है, ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं हम, कोई थ्योरी सर्च कर रहे हैं, हमें कुछ चीज़ों में बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ में वो भी नहीं होती, तो हम कुछ अजम्पशंस के बेस पे काम करते हैं, हम मान लेते हैं, कुछ अजम्पशंस बनाते हैं, दैट इज योर हाइपोथेसिस, टू डेवलप हाइपोथेसिस। ये लेकिन हर टाइप के रिसर्च में हाइपोथेसिस डेवलप नहीं होते, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम डेवलप करते हैं हाइपोथेसिस को, क्लियर। क्वांटिटेटिव रिसर्च ऐसी रिसर्च है जिसमें हम हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं, तो क्लियर। क्वांटिटेटिव रिसर्च जिसको सिस्टमैटिक तरीके से किया जाएगा, स्टैटिस्टिकल टूल्स यूज होंगे, कंप्यूटेशन यूज होगी, डेटा होगा स्टैटिस्टिकल फॉर्म में, क्वेश्चनर यूज होगा, सैंपल साइज शुड बी स्मॉल, और जो भी आपकी चीजें हैं वो डेवलप करेंगी हाइपोथेसिस, क्लियर। नाउ वी हैव क्वालिटेटिव रिसर्च, अब हम तो नाम पे जाएंगे कि नाम क्या है, क्वालिटेटिव रिसर्च। अब क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, सोशल और कल्चरल फिनोमिना में डिस्कस होती है क्वालिटी। अब कोरोना टाइम की बात है, कोरोना में वैक्सीनेशन अब स्टार्ट हो गई है, पता है आपको, सभी को वैक्सीनेशन पता है कि स्टार्ट हो गई है, चलो वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है। अब किसी ने सोचा कि इस वैक्सीनेशन का, जिन जिन्होंने वैक्सीनेशन ली थी उनकी बॉडी टाइप पे क्या इफेक्ट आया, उस पर रिसर्च कर दी, तो इसमें हम क्या कर दें कि हम नंबर्स की बात नहीं करेंगे, सोशल और कल्चरल फिनोमिना या फिर एथनोग्राफिक रिसर्च भी मैंने आपको एक क्लास दी थी, तो वो भी क्वालिटेटिव रिसर्च का पार्ट थी। सोशल और कल्चरल फिनोमिना, सोशल क्या है, सोशल मींस कि आप पीपल सबके साथ बात कर रहे हैं तो नंबर्स में बात नहीं कर रहे हैं, आप नंबर्स की बात नहीं कर रहे, सोशल और कल्चरल फिनोमिना की बात कर रहे हैं। नो न्यूमेरिकल मेजर, हम न्यूमेरिकल टर्म्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एनालिसिस कैसा करते हैं, डेप्थ एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस अप्रोच, मेथड यूज करेंगे, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, सोशल और कल्चरल फिनोमिना कैसे करेंगे आप, ऑब्जर्वेशन से इंटरव्यू लेकर, और सैंपल साइज होगा इसमें लार्ज, ठीक है, यहाँ पे आप लार्ज सैंपल साइज ले सकते हैं।
यहाँ पे आपका होता है टू अलाउ जर्नलाइजेशन, ताकि आप जर्नलाइज कर पाए चीजों को। तो सोशल और कल्चरल फिनोमिना के लिए जहाँ पे नंबर्स का कोई यूज नहीं है, तो करेंगे कैसे, या तो ऑब्जर्वेशन करेंगे या इंटरव्यू लेंगे, इन मेथड्स को यूज करेंगे, ठीक है। और लार्ज सैंपल साइज के लिए होगा, दिस इज योर क्वांटिटेटिव रिसर्च। नाउ वी हैव कंपैरेटिव रिसर्च, हम तो नाम पर जाएंगे एज यूजुअल, कंपैरेटिव, कंपैरेटिव हियर मींस कंपैरिजन, दो चीजों की सिमिलैरिटीज या दो चीजों की डिफरेंस को आप कंपैरिजन करेंगे, तो उसे हम कहेंगे कंपैरेटिव रिसर्च। डील्स विद द कंपैरिजन ऑफ सिमिलैरिटीज और डिफरेंस, सिंपल चीजें, ठीक है, किन्हीं दो चीजों के बीच में हमने सिमिलैरिटीज और डिफरेंस को हमने कैलकुलेट किया, उसके ऊपर कोई रिसर्च की, तो दिस टाइप ऑफ रिसर्च इज नोन एज कंपैरेटिव रिसर्च। नाउ वी हैव एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, एक्सप्लोर, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग। अब मार्केट में न्यू फैशन क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है, तो वी आर एक्सप्लोरिंग, ठीक है, हमें पता नहीं है उस चीज के बारे में कुछ, हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमने अपना फोन खोला और सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन सर्च करना स्टार्ट कर दिया कुछ, तो वी आर एक्सप्लोरिंग, हम कुछ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो वहीं से यहाँ दबते हैं चीजों को, इजी करते हैं। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कंडक्टेड फॉर अ प्रॉब्लम दैट हैज नॉट बीन स्टडीड, ऐसी चीज को हम रिसर्च करेंगे जो अभी तक स्टडी नहीं की गई थी, ठीक है, नॉट बीन स्टडीड मोर क्लियरली, ज्यादा क्लियरली, क्योंकि कुछ एक चीज तो हो चुकी है कभी, ठीक है, उसको अच्छे से स्टडी करना जो अभी तक नहीं की गई थी, क्लियरली, मोर क्लियरली। टेक्निक्स करेंगे रिव्यू ऑफ अवेलेबल लिटरेचर, जो भी आपके पास लिटरेचर जो भी अवेलेबल है उसको रिव्यू करना। डिस्कशन विद कस्टमर, आप कई बार आपकी सेल्स जो है, अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हैं, आपकी सेल्स डिक्लाइन हो रही हैं, या आप कॉमर्स स्टूडेंट भी छोड़ दीजिए, आप उसको भी देख रहने दीजिए, आप एक बिजनेसमैन हैं और आपकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है, आपको पता नहीं लग रहा क्यों डिक्लाइन हो रही है, कि सेल्स कम क्यों होती जा रही है रेगुलर, तो आप क्या करेंगे, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि क्यों, क्या लोगों को पसंद नहीं आ रहे प्रोडक्ट, जो मेरे पहले के कस्टमर्स थे उन्हें प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, प्रोडक्ट क्वालिटी इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे, आप बिजनेस मैन है तो आपको तो सेल चाहिए कि आपकी सेल इंक्रीज हो या पहले की तरह ये हो जाए, तो आप क्या करेंगे, डिस्कशन विद कस्टमर, कस्टमर से फीडबैक लेने की कोशिश करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हो कि आपको पता नहीं है कि रीजन क्या है, जब आपको रीजन पता नहीं होता तो तब एक्सप्लोरिंग आती है। डिस्कशन विद कस्टमर, इम्प्लॉयज, केस स्टडी करते हैं, आपको एक पायलट स्टडी पार्ट है आपका एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का, ये आपका 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये क्या है, जब आप एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि आपको एट प्रेजेंट सिनेरियो में ज्यादा नॉलेज नहीं होती, तो उसे आप कहेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्लियर, जब आप चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, हमने नाम से समझना है और नाम से इजी करके अपने माइंड में, क्योंकि हमेशा हम जो 10 पेजेस की जो कंटेंट होते हैं उसको आप नहीं याद कर सकते, क्योंकि वो रूट लर्निंग की तरफ जाता है, लेकिन हमें सिर्फ चीज़ों को कि कीवर्ड से आपको रिमेम्बर करना है। मैंने अब आपको क्योटो प्रोटोकॉल की क्लास दी थी, जब अब मैं फ्यूचर में फिर अब प्रोटोकॉल्स को डिस्कस करूंगी जो एनवायरनमेंट के इश्यूज हैं, तो हमने क्या करना है कि अब क्योटो प्रोटोकॉल किस लिए है, पेरिस अग्रीमेंट किस लिए है, इनके की एलिमेंट्स को नोट डाउन कर दिया, ठीक है, या फिर आपका अर्थ समिट कब हुआ था, रियो समिट कब हुआ था, तो उनको की एलिमेंट्स को नोट डाउन कर लिया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ की एलिमेंट्स ही आप माइंड में रख पाएंगे, बाकी जितनी भी चीजें हैं उसको समझने के लिए काम आएंगी, जो याद रखने की चीजें हैं वो सिर्फ की एलिमेंट्स है, तो की एलिमेंट्स पर फोकस कीजिए, ठीक है, तो हम तो की एलिमेंट्स भी कैसे याद करेंगे, सिर्फ नाम से हमें समझ आता रहेगा। नाउ वी हैव कंसेप्शनल एंड एम्पिरिकल रिसर्च, कंसेप्चुअल में मीन्स कंसेप्ट, अब हम एक पर्टिकुलर कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ऑन अ गिवन टॉपिक, ऑलरेडी प्रेजेंट है किसी गिवन टॉपिक पे, उसके कंसेप्ट को हम नाम दे रहे हैं कि इस पर्टिकुलर चीज को ये कहते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट और आइडिया, आप न्यू जो आइडियाज करते हैं, टू डेवलप अ न्यू थ्योरी, जब आप न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं, न्यू कंसेप्ट डेवलप करते हैं, तो उसे आप कहेंगे कंसेप्चुअल। इम्पैरिकल, ई से एक्सपीरियंस और ई से आपने इम्पैरिकल याद रखना है, जब रिसर्चर अपने एक्सपीरियंस पे रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन अलोन, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ रिसर्च कर रहे हैं, एक्सपीरियंस को जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया उसे कहेंगे इम्पैरिकल रिसर्च, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस और इन्वॉल्व ऑब्जर्वेशन अलोन विदाउट सिस्टम और थ्योरी, आपने कोई सिस्टम और थ्योरी आपने केवल नहीं की, आपने कुछ एक्सपीरियंस किया उसके बेस पे आपने इम्पैरिकल रिसर्च कर दी। अब देखिए इसके टाइप्स को, रिसर्च सबसे पहले हम डिस्कस किया, रिसर्च मीन री प्लस सर्च, री मीन्स अगेन और सर्च मीन्स टू फाइंड समथिंग, इसके कुछ रूल्स होते हैं, इट्स अ प्रोसेस टू इन्वेस्टिगेट, इंक्वायरी मेथड्स, सिस्टमैटिक सोर्स ऑफ टू इंक्रीज नॉलेज, एक सोर्स है जहाँ पे नॉलेज को आप इंक्रीज करेंगे, इन्वेस्टिगेट द एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, आप इन्वेस्टिगेट करेंगे एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को,
टू प्रपोज अ न्यू थ्योरी, जिसमें हम न्यू थ्योरी को डेवलप करते हैं. टाइप्स ऑफ रिसर्च में आपका फर्स्ट आता है प्योर रिसर्च, देन वी हैव अप्लाइड रिसर्च. प्योर रिसर्च क्या है? जो बेसिक प्योर है, प्योर से नाम में आपने याद रखना है, बेसिक फंडामेंटल प्योर, जो ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप की किसी भी रिसर्चर ने, ठीक है. देन वी हैव अप्लाइड, इसी प्योर रिसर्च को कहीं अप्लाई कर दिया किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए, दैट इज योर अप्लाइड रिसर्च. क्वांटिटेटिव न्यूमेरिकल टर्म्स की, क्वांटिटेटिव हम डील कर रहे हैं नंबर्स के साथ, नंबर से प्ले कर रहे हैं, तो दैट शुड बी इन अ सिस्टमैटिक मैनर. वी यूज स्टैटिस्टिकल मेजर्स, मैथमेटिकल्स, कंप्यूटेशन, तो ये सब चीज़ें यूज करेंगे. एंड सैम्पल साइज शुड बी स्मॉल और टू डेवलप आवर हाइपोथेसिस, क्योंकि तभी हम रिसर्च कर पाएंगे. जब नेक्स्ट क्लास में मैं स्टेप्स डिस्कस करूंगी तो आपको हाइपोथेसिस का मीनिंग और क्लियर हो जाएगा, ठीक है. देन नेक्स्ट इसके टाइप्स देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सपेरिमेंटल. नेक्स्ट वी हैव क्वालिटेटिव रिसर्च. क्वालिटी, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सोशल एंड कल्चरल फिनोमेना, दैट इज योर क्वालिटेटिव रिसर्च. इसके बाद है वी हैव कंपैरेटिव रिसर्च, वी आर कंपेयरिंग समथिंग, दी सिमिलैरिटीज और डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स, तो उसे आप कहेंगे कंपैरेटिव. एक्सप्लोरेटिव, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च मीन्स यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग, यू वांट टू एक्सप्लोर समथिंग, किसी भी चीज के लिए हो सकता है, अबाउट एनीथिंग. यू आर डिस्कसिंग अबाउट द कस्टमर्स, योर एम्प्लॉयज, आपको लेकिन कोई प्रॉब्लम आएगी तभी आप एक्सप्लोर करेंगे. यू वॉन्ट टू डू समथिंग, देन यू आर एक्सप्लोरिंग, ठीक है. देन वी हैव कंसेप्शन एंड एम्पेरिकल रिसर्च, यू फाइंड आउट टू समथिंग न्यू कंसेप्ट्स एंड एम्पेरिकल बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. दीज आर दी कॉमनली यूज टाइप्स ऑफ रिसर्च. ये कॉमनली जिसे हम कहेंगे कुछ 7 टाइप्स हैं आपके रिसर्च के. डिटेल क्लास डिस्कस करूंगी मैं आगे, जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, नरेटिव, ये सारे डिस्कस करेंगे हम रिसर्चेस को, साथ साथ स्टेप्स ऑफ रिसर्च, देन डिस्कस करेंगे हम आपके हाइपोथेसिस, फिर हम डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. तो इस तरीके से रिसर्च का सिलेबस जो है वो आपका डिस्कस होगा, और फ्यूचर क्लासेस जो होंगी उसमें प्रीवियस से क्वेश्चन भी आपको पता इंक्लूड होते हैं. तो अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो डू लाइक, शेयर, कमेंट, और जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब किए चैनल को, और जो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है. थैंक यू सो मच.